हाँ हाँ काली हो गई हो, अपना ख्याल लगा करो, कोई क्रीम लगाया करो, माँ सी कलूटी हो गई हो कसम से, इतना काले रंग। आदि ए गाइस ये क्या है? हाथी है, अबे टोकन नजर नहीं आ रहा, गाड़ी है। वाओ आदि, ओए क्या ड्रामे कर रहा, किसकी गाड़ी है? मेरी और किसकी है, कहाँ से आई तेरे पास ये गाड़ी? अबे मेरे अंकल थे, उन्होंने दिया। क्या अंकल ने दिए? तेरे अंकल इतने अमीर है कि तुझे गाड़ी दे दी उन्होंने? हाँ बस ऐसा ही है। चश्मा उतार। नहीं चश्मा नहीं उतार रहा मैं, ये मेरा टर्मिनेटर लुक है। मैं मुक्का मार के ना तेरा टर्मिनेटर खराब कर दूंगा, चश्मा उतार। है तो ये लाड़ी, कहाँ से तेरे पास ये गाड़ी? मेरे एक अंकल थे ना, उन्होंने दिए। थे मर गए? अबे पागल तू भी अजीब बातें कर रहा है यार, अगर मर गए होते तो गाड़ी कैसे देते? तू भी कभी वर्दा जैसी बातें करता है। मेरा फैजान है ना, मेरी तरह ही बातें करेगा। अरे आराम से, चश्मा पहन लूं अब मैं? हाँ पहन ले। हैप्पी बर्थडे। गाड़ी तो फिट है यार, अब करना क्या है? मैं बताती हूँ, घूमने चलते हैं। देख लिया, तुझसे ज्यादा स्मार्ट तो ये। अबे यार मैं गाड़ी लेके आया हूँ, तुम लोग को एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे, हालांकि मुझे पता है कि अंदर ही अंदर दिन ही दिन में कुड़ कुड़ के तुम लोग मर रहे हो मेरी गाड़ी में बैठ के घूमने के लिए। हैं अबे चल चल रहने दे। अबे मैं आगे बैठूंगा, आगे मैं आगे बैठ, मेरी गाड़ी लंबी जाके बैठ जा, आज मैं बैठ जा। मैं तो बैठ गई यार, मैं पीछे ठीक हूं भाई। भाई इधर आ, पीछे बैठो आगे। बोनेट तो बैठ गई है, इलेक्शन कैंपेन पे निकली है, बैठ पीछे, बैठ जा बैठ जाओ, जल्दी से बैठो। मैं जरा हो क्या है? वो कहाँ जा रहा है? अबे इधर इधर बस से रोका हुआ है। अबे चल जा, राउंड दे, मैं थोड़ा सा तो कर, आर कोने से थैली ले लेंगे। आजा ए स्पाइसी हो गई है गाड़ी। तेरे मेरे सपनों में उल्टे सीधे घपलों में, all the life kati mithi baaton mein ulti seedhi raahon mein भूख लग रही है यार। मुझे भी भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है। यानी सबको भूख लग रही है। एक आइडिया दूं? हाँ? चलो चल के कुछ खाते हैं। हाँ। अरे वो पीछे ढाबा है, यहीं पे बैठते। नहीं आने। क्यों? वहीं चल के बैठते ना प्लीज, गाड़ी में नहीं बैठते। या अल्लाह ये कौन लड़की है भाई? चलो यार बाहर निकलो। आप सुनो, चलो यार भूख लग। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखो भाई अगर तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी बेगम ने घूमने जाना हो तो मुझे बताना, मेरे पास गाड़ी है। सर क्या कहेंगे बताएं? अबे कैसी बातें कर रहा है तू? तो जिनके पास गाड़ी आ जाती है वो इस तरह बात नहीं करते क्या? अरे करते हैं लेकिन जरा भरम से। अच्छा सुनो, अगर थोड़ा नीचे। अरे सुनो देखो, अगर तुम्हारी शादी हो गई तुम्हारी बेगम को कहीं भी घूमने जाना हो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं फारे भी हूँ और गाड़ी भी आ जाऊंगा। सर आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई ये कह रहा है कि आप अपनी बेगम के साथ कभी बाहर जाएंगे ना तो इनकी गाड़ी में जाना, आप भी साथ होंगे, आपको अलग नहीं करेंगे। सर क्या खाएंगे ये बताएं? सबके लिए दाल ले आओ और मेरे लिए एक चिकन कौरमा। ओ फैजान हम दोनों चिकन कौरमा खाएंगे? जी नहीं वो मैं खाऊंगा, तुम चख लेना। ये चिकन किस खुशी में आ रहा है और ये जो तेरा बचपन का दोस्त जो मुंह से भूख की थूके तेरे मुंह पे फेंक रहा है वो दाल खाएगा? और देख यार दाल बनती है फ्रेश, चिकन तो पता नहीं 2-3 दिन पुरानी होगी। और मैं तो सिर्फ इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि अम्मी ने मन्नत मानी थी कि जो मेरा बेटा पैदा होगा उसे चिकन खाएगा। अच्छा तो अम्मा के मन्नत के चक्कर में यहाँ चिकन खाई जा रही है? हाँ यार क्या करूँ, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह पूछेगा कि चिकन कितनी खाई है। अल्लाह मीठा पराठा, मीठा पराठा अजीब सा होगा, ऐसे ऐसे पराठे आ रहे होंगे, थोड़ा मीठा होगा वो। भाई चिकन ने तो थका ही दिया, हाथ ही नहीं आया। लेकिन चिकन तुम्हारा हुआ था, कितनी दम हुआ है आज तुम।
और फैजान मैं तुमसे बात नहीं कर रही, सारा चिकन अकेले खा गए। फैजान देखना तुम्हें कब्ज हो जाएगी, अकेले चिकन ना किसी को हजम नहीं होती। ओहो, मैंने चिकन के साथ दाल इसीलिए खाई ताकि वो हजम हो जाए। वैसे मैंने तो उससे ज्यादा जलील और कमीना दोस्त कभी जिंदगी में नहीं देखा है। मैंने भी। मैं तेरी बात कर रहा है। It's okay, आयाज। यार मुझे तो ना अभी भी बहुत भूख लग रही है। बस बस इतने पैसे थे मेरे पास और खाने के लिए और पैसे कमाने पड़ेंगे। यार आयाज तो ही दे दे थोड़ा सा। नहीं भाई नहीं, हर बार मैं ही देता हूँ। क्या सोच रहे हो फैजान? गाड़ी कौन सी? मतलब? अरे एक मिनट ना यार, एक लफ्ज बोलने के बाद बोल पड़ते हो, पूरी लाइन तो बोलने दो। गाड़ी देगी पैसे? मैं टोकन गाड़ी है, अम्मी थोड़ी है कोई। अबे यार बकवास नहीं करो, मेरे कहने का मतलब है अपनी गाड़ी को परवीन सर्विस पे लगा और पैसे कमा। OMG, what a great idea! The car, the Parveen service, the money, the pocket, the rich man, the whole... चुकर! बेवकूफ आदमी। Parveen service? ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? अरे उल्टा बोल्टा कुछ नहीं है, Parveen service पे रजिस्टर हो जाओ, उसके बाद लोगों को पिक करो, ड्रॉप करो, पैसे और अय्याशी। फैजान तेरी अय्याशी ना हमें बहुत महंगी पड़ जाती है अक्सर। तो मेरे बगैर अय्याशी करते हो फैजान? शट अप! ओके। बात ही नहीं सुनती, इधर दे अपना फोन, मैं रजिस्टर करूं। शोर मचाती रहती है। ये ले, हो गई बुकिंग। बस आप कोई भी राइड बुक करेगा हम चलेंगे। हम बुकिंग पे जाएंगे हम। अरे यार गाड़ी बुक करेगा तो पिक एंड ड्रॉप करेंगे ना। आगे 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 आगे। कौन आगे? कौन आगे? अरे बुकिंग आ गई यार, देख ले। ओ, चेक करो जल्दी। क्या है ये तो समझ नहीं। अरे इधर दे यार। ओ, बच्ची ने बुकिंग की है भाई, महक। चल भाई जल्दी कर ले, ये एक्सेप्ट। चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, लेट कर रही है महक, गाड़ी की चाबी मैं चलाऊंगा। अरे आज मुझे पता था तू ही मुझे लेके जाएगा साथ। मैं रोटी लेने आया था भाई। अजीब जलील सा हुआ हूँ। बस 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 बस, ये आ गई लोकेशन। अरे लेकिन उसको बताएगा कौन कि हम लोग आ गए? मैं बता के आती हूँ। और तुमको कौन बताएगा कि वो कहाँ रहती है? ओ हाँ, तो बताओ। मैं कहाँ से बताऊंगा पागल, चुप कर। अरे चुप करो यार, फजूल की बातें कर रहे हो तुम लोग। ये ऐप खुद क्लाइंट को बता देती है कि गाड़ी आ गई है। ओ वाह यार, ये तो टाइट चीज है ना। अरे नहीं, जो सामने से आ रही है बहुत टाइट चीज है। अरे आ गई। इतने सारे लोग, आई थिंक गलत गाड़ी में आ गई हूँ, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, ये वही गाड़ी जो आपने मंगवाई थी। मगर इतने सारे लोग, ये कैसी सर्विस है? अब ये परवीन सर्विस है। देखिए ये है वर्दा, ये आपकी पर्सनल असिस्टेंट है। अगर आपको रास्ते में नेल्स फाइल कराने हो ये वो भी कर देगी, पानी की जरूरत होगी ये पानी भी देगी, इवन आपको टिश्यू भी उठा के देगी। और वो कौन है? वो मैं आपको बताता हूँ, आप गाड़ी में बैठे ना, हम चलते हैं फिर सारी बातें कर लेंगे। आइए आइए आइए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है आदि, ये इस गाड़ी का कैप्टन है। मैं हूँ फैजान, मैं इस गाड़ी का वाइस कैप्टन हूँ। और ये है वर्दा, जैसे मैंने आपको बाहर बताया। और ये कौन है? हेलो, कैसी हैं आप? ब्लू शर्ट में अच्छी लग रही है। अयाज जो है ना वर्दा का छोटा भाई है, और ये अंधा है। अंधा है ना, इसकी वजह से हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, ये गुम हो जाता है। क्या बकवास कर रहा है, चुप करके बैठो और जरा उधर होकर बैठो। मैम आप जरा खुल के बैठे आराम से। वैसे बड़ी कमाल की सर्विस है आपकी, इतनी सारी चीजें वो भी फ्री में। फैजान तो अपना बुखार नहीं देता किसी को फ्री में। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखें आपके साथ क्या होता है। जी मैं समझी नहीं। ऐसे ही बस मजाक कर रहा था, गाड़ी चला। अब वर्दा मैम से पूछो, उनको कुछ चाहिए? मैडम डू यू वांट एनीथिंग? नो थैंक यू। वैसे आपको जाना कहाँ है बेगम? मुझे जमजमा जाना है। और जमजमा जाना तो इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं? यहाँ से पैदल चले जाए, 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? असल में इसके कहने का मतलब ये कि जो सीधा रोड जमजमा जाता है ना वो टूटा हुआ है, हम आपको पूरा गोल घुमा कर लेके जाएंगे। अबे नहीं नहीं, सामने गली में से निकलो, सामने जमजमा। मजाक कर रहा है। तो गाड़ी चला। बहुत प्यारी हैं आप, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। मगर आप तो अंधे हैं ना? अरे ये अंधा नहीं है, ये सामने देख के ना आपके पर्स के अंदर पैसे भी गिन चुका होगा अब तक। मैडम मैं आपकी नेल फाइल कर दूं? नो थैंक्स। गाड़ी रोक। क्या हुआ? लड़का हुआ है। अरे टोकन ब्रेक लगाई है, और क्या हुआ है? वो तो मुझे भी पता है ब्रेक लगी है, लेकिन गाड़ी क्यों रोकी है? वो फैजान ना आपसे पैसे मांगने वाला। पैसे? लेकिन अभी तो जमजमा आया भी नहीं है।
अयाज एक काम कर, मैडम के लिए जाके सामने से एक मिनरल वाटर लेकर आ। बस समझो अभी गया और अभी आया। लेकिन आप तो अंधे हैं, आप कैसे लेके आएंगे? वो फैजान आपसे झूठ बोल रहा था ना। असल में ना ये दिन की रोशनी में इसको थोड़ा बहुत नजर आता है, अंधेरे में आके बिल्कुल अंधा हो जाता है। गाड़ी के अंदर ना, जल्दी जा लेकर आ। मैं जा रहा हूँ, मैं बस पानी लेके आ रहा हूँ, मुझे ज्यादा मिस मत करना। ओके चल गाड़ी निकाल। अबे यहाँ को तो आने दे। अरे मैं कह रहा हूँ ना गाड़ी निकाल। यार चलो मैं। अबे मैं अबे बेचारा, वो तो पानी लेने गया था, उसे क्यों निकाला? अरे वो तो सिर्फ एक बहाना था। असल बात ये है कि डॉक्टर ने कहा था कि अयाज को कम से कम 3 घंटे धूप में रखना चाहिए, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। और देखिए ना आप कितना खुल के बैठ सकती है, आराम से बैठे आप। बेचारा अयाज। एनीवेज थैंक यू फैजान। यू वेलकम। फैजान वैसे तो कितना कमीना है ना, पानी के सामने ऐसी बातें नहीं करती। मैं आपके नेल पफ कर दूं? और भाई नहीं कराने, आप चिढ़ क्यों रही हैं? मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, मुझे कराने ही नहीं है। ओके वैसे एक बात बताएं आप, आगे देख। मेरा कहने का मतलब था, एक बात बताइए आप, कितने कोई पैसे दे देंगे हमें? जितने बनेंगे उतने ही दूंगी। फिर से गाड़ी रोक। अब क्यों रोक दी गाड़ी? अ टी टाइम। लेकिन मैं चाय नहीं पीती। अरे आप नहीं, हम तो पीते हैं ना। और मैं क्या करूंगी फिर? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, अब आपने हमारे साथ बैठने का गुनाह कर लिया तो निपटे भाई। अब कैसी बातें कर रहा है, क्लाइंट है। ओ अच्छा, इनका ऑपरेशन करना है। अबे टोकन वो पेशेंट होता है। आप एक काम करें, आप हमारे साथ चल के चाय पी लें। भाई मैं चाय नहीं पीती। आप चाय खा लें। एक काम करें, हम आपको कपड़ा दे देते हैं, आप जरा कपड़ा मार लें। नो, किन लोगों में फंस गई हूँ मैं? अरे क्लाइंट अंदर रह गए हैं यार। अरे आप तो अच्छी खासी खुली बैठी हो, फंसी भी कहाँ है? क्या बकवास है ये, जाइए प्लीज। यही तो हमारी बकवास है। यार वैसे फैजान हम उससे कितने पैसे लेंगे? मैं बताती हूँ, 1000 रुपए। ये इसी छोटी सोच की वजह से तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। फैजान देख, मुझे तेरी आंखों में ना पैसे की हवस नजर आ रही है। तुझे पता है जब भी तू पैसे के बारे में सोचते है ना, तेरी आंखें लाल हो जाती है और मुंह में से आ। चुप कर, हर वक्त बकवास करते रहते हो। इधर मेरी बात सुनो, हम उससे लेंगे एक सर्विस के 1000 रुपए, 5 सर्विसेज 5000 रुपए। मगर उसने तो कोई सर्विस ही अवेल नहीं की, मैं उसके जाके नेल बफ कर दूं? अरे हर वक्त नेल नेल बफ बफ। ओ भाई नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना। वैसे फैजान 1000 रुपए के हिसाब से तो बहुत सारे पैसे बन जाएंगे ना। जी शुक्रिया, तभी आइडिया दिया है। मुझे भी इस बार पैसे चाहिए। हाँ दे दूंगा, परेशान मत हो। और मुझे भी पैसे चाहिए खाने पीने के अलग से। हाँ दे दूंगा, छोटी सोच तुम्हारी, खाने पीने के पैसे। अच्छा छोटी सोच है, फिर मुझे मोजे भी चाहिए। हाँ उससे भी छोटी सोच, मोजे पहनेगा। मोजे वो वाले जिसमें लेसेस लगे हुए होते हैं। हाँ इसके नेल निकलेंगे, वो नेल पफ कर लेना तुम लोग। ओके चलो। फैजान जब भी मुझे इस तरह डांट दो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चुप। आप अपना नंबर दे दीजिए। नहीं नहीं, वो असल में आप सो रही थी ना, इसलिए मैंने ब्रेक लगा दी। मगर क्यों? वो क्योंकि आपके ये मामू और चाचू और खाला का घर तो नहीं है जहाँ आप इतने आराम से सो रही हैं। मजाक कर रहा है आपसे। अबे मजाक कहाँ कर रहा हूँ, सीरियस हूँ मैं। बस बंद कर। मैम मैं आपके नेल्स फाइल कर। बकवास बंद करो, 2 घंटे से तुम लोग घुमा रहे हो, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। समझ आना था, घुमा घुमा के थका दिया। प्लीज जरा जल्दी ड्रॉप कर दे। जी जी अभी कर दे, जल्दी करो जल्दी करो। भाई जल्दी क्यों करो, हमने इनको पागल बनाने लंबा रास्ता लेना है। बस बंद कर। अच्छा सुनिए, जरा साइड पे हो जाएं, बीच में से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ तो थोड़ा एक काम करें, उस तरफ हो जाएं। हाँ आप एक काम करें, थोड़ा इधर हो आप, प्लीज आगे इधर आप गाइड कर लें। हाँ चलो आगे देखते। यहाँ क्यों रोक दिया भाई? जमजम आ गया ना। लेकिन जमजम थोड़ा आगे है, यहाँ नहीं है। अबे 2 कदम चल के चले जाओगे, पागल तो नहीं हो जाओगी ना? Just shut up. बल्कि आ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। और प्लीज जाने से पहले अपना बिल क्लियर कर दीजिएगा। बिल या किराया? मैम बिल, क्योंकि ये परवीन सर्विस है जहाँ हर सर्विस मौजूद है। आपका बिल है 5000 रुपए। 5000? पागल तो नहीं है? अरे आपने अभी तक फैजान को नहीं पहचाना, जब चिड़िया चुग गए खेत तो आ गए सब बेत। मगर मैंने तो कोई भी सर्विस अवेल नहीं की।
मैम देखिए ये तो आपकी अपनी सुस्ती है ना, हमारे पास हर सर्विस मौजूद है और हर सर्विस के हिसाब से एक सर्विस के 1000 रुपए होते हैं और 5 सर्विस के 5000 रुपए, बस 5000 रुपए दे दीजिए। ये लो पकड़ो अपने 5000 रुपए, अब नहीं बैठूंगी मैं तुम लोगों की गाड़ी में, एंड मैं खड़ी हो जाएगा। ओहो दोस्तों एक दिन में 5000। अरे एक दिन में 5000 मतलब अगर हम 5 लोग हैं और 5000 कमाए तो पर बंदा 3000 रुपए होगा ना। यार बकवास मत कर, हिसाब मुझ पे छोड़ दे, अपनी गाड़ी चला चल। हाँ मैं गाड़ी चला। सर सर ये यही तो है मेरी गाड़ी, यही मेरी गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आपको कौन सी सर्विस चाहिए? ये परवीन अकबर सर्विस है। परवीन सर्विस के बच्चे, ये मेरी गाड़ी है। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ही की गाड़ी है। बोले कहाँ जाना है आपने? मैंने कहीं नहीं जाना, ये मेरी गाड़ी है जो तुम लोगों ने चुराई है। अरे अंकल आप, मैंने गाड़ी चुराई कहाँ है, आपने खुद मुझे अपने हाथों से दी थी। आदि तूने गाड़ी चुराई है? अबे पागल टोकन हो गया है क्या, उन्होंने खुद दी थी मुझे गाड़ी, पूछ ले। ओ मेरा दिमाग खराब है, मैं गाड़ी दूंगा तुम्हें। मैं आपकी नेल बफ कर। अरे तुम तो चुप करो यार, नेल बफ कर दूं। अरे यार आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि गाड़ी ले जाओ। ओ मैंने कब कहा था मेरी गाड़ी ले जा? जब आपने गाड़ी मुझे दी थी। मैं कहता हूँ गिरफ्तार करो। अरे इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो पुलिस वाले। गिरफ्तार करो इन्हें। खबरदार किसी ने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की, मेरे पास पूरा का पूरा सबूत है जो कि मैं सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। वो देखो राजा कौन मैसेज कर रहा है यार, अब ये कोई टोकन नहीं है। हेलो अंकल, ये गाड़ी ले जाओ। क्या? मैंने कहा ये गाड़ी लेकर जाओ। मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं? हाँ हाँ जल्दी लेकर जाओ। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं? यार कैसे बंदे हो तुम, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये गाड़ी लेकर जाओ जल्दी। अच्छा पकड़ो जल्दी जल्दी। मेरे तो बाप ने कभी मुझे गाड़ी नहीं दी, अल्लाह इन अंकल को जन्नत नसीब करे, इतने अच्छे अंकल हैं यार। अरे गाड़ी मिल गई, इतनी बड़ी गाड़ी, ओह मुझे लग रहा है ये खराब होगी, मुझे लग रहा है खराब होगी। अरे ये तो स्टार्ट हो गई, गाड़ी मिल गई, देख लिया? ठीक कह रहा मेरा दोस्त। अंकल पुलिस वाले अंकल, ये इसने ना आपका टाइम ज़ाया किया है, मैं आपको बताऊं इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कड़ी से कड़ी के साथ कड़ी चावल वाली सजा मिलने वाली है। इसको लेने इसने आपका टाइम ज़ाया किया। वक्त का तो पता नहीं लेकिन ये जरूर हमसे ज़ाया हो जाएगा। चलो नहीं बैठो गाड़ी हो गया। बादशाह सलाम और वकार यूनुस आ रहे हैं। आदि बादशाह जहांगीर बनेगा? यार फैजीन ये मुझे एंटी एक्टिव बना रहा है यार, मुझे कुछ करना है। अयाज और वरदा दोनों मर चुके हैं। खबरदार तुमने शमशीर को ललकारा है, ये सर अलग और धड़ अलग कर देता है। शमशीर हम सिर्फ एक आदमी को मारेंगे। Every night kati mithi baaton mein ulti seedhi raahon mein